आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। जब से आप गई है मेरी जिंदगी से घर घर नहीं लगता मैं। वो सोफा जिस पे बैठकर हमने कई बातें कई यादें शेयर की थी अब एक फर्नीचर पीस लगता है। वहां आपकी गर्मजोशी आपकी गर्मी कुछ भी नहीं है। आई मिस यू सो मच अम्मी। कहानी वही है लेकिन किरदार तब्दील होने का वक्त आ चुका है। Assalamualaikum viewers, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने सिरम के अपने honest reviews दूंगी, तो you can see my skin, it looks so plump, so hydrated and so refreshed, beautiful. And guess what? Brand ने कहा हो सब लोग? guess what? Brand ने अरे फारिया, फारिया, सारी वीडियो खराब कर दी। उबैद, उबैद देखे ना अम्मी सुबह सुबह क्यों इतना शोर मचा रही है छुट्टी वाले दिन। ये क्या कर रहे हैं आप सुबह सुबह? किससे बातें कर रहे हैं? अरे किससे क्या मतलब बात कर रहा हूँ, छुट्टी वाले दिन में बहुत सारे काम होते हैं। स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट चेक कर रहा था चैट ग्रुप के अंदर। भाई क्रैश करने वाली स्टॉक मार्केट मंडे को। अरे भाई आप जाकर देखे ना अम्मी क्यों इतनी सुबह सुबह शोर मचा रही है। इतनी सुबह सुबह टाइम देखो। इसको बंद करें ना, पहले जाकर पूछे क्या प्रॉब्लम। अरे भाई प्रॉब्लम से हल करता रहो, काम ना करूं। फारिया तुम बस अपनी वीडियोस बनाती रहो, दिमाग खराब हो गया मेरा यार। जल्दी से वीडियो कंप्लीट कर लूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने सिरम के अपने ऑनेस्ट रिव्यूज दूंगी, तो यू कैन सी माय स्किन, इट लुक्स सो प्लम्प, सो हाइड्रेटेड एंड सो रिफ्रेश्ड, ब्यूटीफुल। हाँ नहीं नहीं अभी इट है ना यार, मसला थोड़ी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोपहर के 3 बजे तक देखो ना। गुड मॉर्निंग अम्मा। शेयर डाउन है, शेयर अप हो जाएगा भाई, तुम फिक्र नहीं करो यार। चल चलो ठीक है, मैं तुम्हें नाश्ता करके कॉल करता हूँ ना। हाँ देखो नजर रखो, ब्लू चिप स्टॉक है। ठीक है हाँ देख लो यार, देख लो, बस बजटिंग के इश्यूज हैं, देख लेना। ठीक है ना, चल अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ अम्मा? कुछ याद है तुम्हें कि आखिरी दफा हम सब ने कब साथ मिलके बैठ के नाश्ता किया था? रोज रोज ही करते हैं है ना? रोज आप लोग अपने इंटरनेट के साथ नाश्ता करते हो, आज इंटरनेट की छुट्टी है। सो नो इंटरनेट डे, जस्ट फैमिली डे। कैसा? गुड आइडिया, एक्सीलेंट अम्मा, आई मीन आई एम नॉट इन। मेरा प्लान है मेरी दोस्तों के साथ। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। मीरा बेटा प्लीज बैठो, सिट। अम्मा मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? लेकिन आपने तो सब कुछ पहले से ही कर रखा है।
नहीं बेटा, आज तुम भी छुट्टी करो, आराम करो। पूरा हफ्ता हम लोगों की खिदमत करती हो, आज हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। किचन मैं और मीरब संभाल लेंगे, हम दोनों करेंगे काम। क्यों मीरब, नाइस प्लान ना? नहीं दादू, दादू ये किचन एंड ऑल I hate it. और अगर मम्मा के लिए कुछ करना ही है तो उनके लिए कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। क्यों दादू? अरे भाई नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी। अच्छा देखो, ये आज मैंने स्पेशल रेसिपी अपनी दादी वाली बनाई है। और देखो रेसिपीज को भी तो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? ट्रांसफर। मगर ये खाएगा कौन? अरे भाई वाह, शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब टेस्ट करते हैं। बहुत जबरदस्त, उफ मजा आ गया। अम्मा के हाथ के खाने का तो नो मैच। वो हाथ तो हटाओ ना, पिक्चर लेनी है। अरे तुम अपने स्टूपिड खानों की पिक्चर लिया करो ना, इसकी क्यों ले रही? उन पे ना लाइक ज्यादा नहीं आते, ये ट्रेडिशनल खाने हैं, इन पे लाइक ज्यादा आते हैं। #hashtag अम्मा के हाथ का खाना एंड #hashtag ये अम्मा, इसका एक्चुअल नाम क्या है? इसको तो जो भी कहते हैं, तुम अपना फोन रख दो फौरन। मैंने कहा ना नो इंटरनेट डे। चलो तुम लोग शुरू करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैं जरा आयाद को देख कर आऊं क्या कर रहा है। आयाद पापा प्लीज हेल्प मी, ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती, दिस किचन एंड ऑल नो। उबैद भाई ये कैसा नो इंटरनेट डे है, इसमें तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, सब बोर हो जाएंगे। क्या करते हो तुम लोग भी, थोड़ा सा तो एहसास कर लिया करो कि एहसास बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगी। मैं हेलो, हाँ क्या हुआ? अरे नहीं नहीं यार ब्लू, जाओ तुम। थैंक यू सो मच मामा, लव यू। वाह वाह वाह, अम्मा के हाथ के बने हुए मजेदार खाने। वक्त और उनके बदलते एडिक्शंस, हमें किताबों की एडिक्शन थी। सर जोड़कर किताबें शेयर की जाती थीं और यहाँ घरों में बिखरते रिश्ते, बच्चे माँ बाप की तलाश में और माँ बाप बच्चे ढूंढते फिर रहे। मम्मी मैं फेल हो गई अपनी फैमिली को जोड़कर रखने में। ये बच्चे जिनको हम अभी तक ढंग की तालीम और शऊर नहीं दे सके, उनको इंटरनेट तक रसाई देकर, खिलौनों के नाम पर गैजेट्स देकर, हाथ में स्मार्टफोन देकर अपना हाथ छुड़ा लिया। चलिए जी मैं आगे जरा सुकून से प्रेजेंटेशन बनाओ अपने। कहाँ? मेरे फेवरेट सीजन की लेटेस्ट एपिसोड्स आ गई हैं, मुझे जाना होगा। लेकिन बेटा हम सब यहाँ साथ बैठे, कितना अच्छा लग रहा है, बाद में देख लेना। सॉरी टू से दादो, बट ये पाकिस्तानी ड्रामा बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे तो नहीं देखा जा रहा। सो बाय। अरे इसी से याद आया, फूड व्लॉगर आ गया होगा। इस बार फेमस फूड व्लॉगर पाकिस्तान के टूर पे आया हुआ है। अरे अम्मा मैं आपको क्या बताऊं, उसको हमारे पाकिस्तानी फैमिली वैल्यूज, हमारे यहाँ का इखलाक इतना पसंद आया कि बस मैं देखने जा रही हूँ। प्लीज दादू। बेटा मैं सोच रही हूँ
कि अगर इस वक्त मेरी अम्मी होती तो वो क्या करती? क्या करती? अपने प्यारे से पोते को ढेर सारा प्यार करती। जब आप यंग होती थी आपकी मम्मा आपको डांटती थी? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हम उनका बहुत कहना मानते थे, इसलिए मुझे तो कभी डांट नहीं पड़ती थी। अच्छा, वो मीरा की तरह नहीं थी? वो तो मम्मा का हर वक्त आयोग ही नहीं करती है। लेकिन मैं अच्छा हूँ ना दादी, एक बात पूछूं? पूछो। जब आपके जमाने में आईपैड नहीं होता था, बोर होती थी? नहीं बेटा, मेरा जमाना कोई इतना पुराना भी नहीं था, लेकिन नहीं, मैं बोर नहीं होती थी। क्यों? आप लोग क्या करते होंगे आईपैड के बगैर? बेटा, हम कुरान शरीफ पढ़ते थे, हम नमाज पढ़ा करते थे, और हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें थी, हम वो पढ़ते थे। फिर हमारी अम्मी और नानी हमें कहानियां भी सुनाती थी, उनको तो 100 से भी ज्यादा स्टोरीज आती थी। जब वो सारी स्टोरीज खत्म हो जाती थी आप क्या करती थी? भई हमें तो कहानी सुनते ही नींद आ जाया करती थी। आप लोगों की तरह मुसलसल स्क्रीन के सामने रहने से ये जो स्याह हल्के पड़ जाते हैं ना, ये नहीं होते थे हमारे। लेकिन मम्मा तो कोई कहानी नहीं सुनाती, वो तो मूवी देखने बैठ जाती है। चलो कोई बात नहीं, मैं सुना देती हूँ आपको कहानी। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो बच्चों को चॉकलेट भी दिया करते थे। सॉर्ट ऑफ। एक्चुअली उन्हें खजूर बहुत पसंद थी। एक दफा का जिक्र है, एक बच्चा उनके पास आया और कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इस बात का जवाब सुबह तक दे दूंगा, तुम कल आ जाना मेरे पास। अब जो वो प्लीज खलीक, डू समथिंग, किसी ना किसी तरह ये डील बस लॉक करवाओ, उनसे मीटिंग अरेंज करवा दो यार, भले जूम पे ही सही। मैं अपने बॉस को और जितने भी लोग हैं उनको मैं बुला लूंगा ना यार। अरे बहुत शानदार प्रपोजल है यार, बैंक देगा ना हम लोगों को लोन, फिक्र क्यों करते हो, तुम बात तो करो। चलो ठीक है, मुझे बताओ। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट। हैशटैग स्वीट ड्रीम्स। क्या बात है, कोई जोक पढ़ रही हो जो इतना मुस्कुरा रही हो, इतनी खुश हो? अरे नहीं, ये देखे ना, चंद ही सेकंड्स में 50 लाइक्स आ गए। लाइक सीरियसली, तुम इन लाइक्स पर खुश हो? और नहीं तो क्या, पता है मेरे फॉलोवर्स में कितना इजाफा हुआ है? 253 से 521 हो गए। और पता है कौन कौन फॉलो करता है मुझे? हाँ, पूरा महल्ला ही तुम्हारा फॉलोअर बन गया होगा। वो ही तो, वो सादिक साहब, वो बुड्ढा, वो एक्स प्रोफेसर, वो भी तुम्हारे फॉलोअर बन गए क्या? अरे भाई क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब फॉलोअर्स तो हर किस्म के होते हैं ना। यही तो प्रॉब्लम है, यही मैं नहीं चाहता। टेढ़ा मेढ़ा होकर वो बुड्ढा चलता है और हमेशा तुम पर नजर रखता है, वो यहां पर भी पहुंच गए इस इंटरनेट वर्ल्ड में। फौरन ब्लॉक करो, डिलीट मारो उसको। कम ऑन उबैद, जब मैं घर में बोर होती थी उस वक्त आप, अम्मा और बच्चे सब मसरूफ होते थे, तो आप ही मुझे कहते थे ना कि अपना टाइम यूटिलाइज करो, अपने आप को मसरूफ रखो। और अब जब मैं इंटरनेट में खुश हूँ, मेरा टाइम अच्छे से गुजर रहा है, तो आपको पता नहीं क्या होता जा रहा है, आप भी ना अम्मा की तरह बिहेव करने लगे, दोनों एक जैसे हो गए। अरे भाई, वो पूरा दिन बच्चों के पीछे पड़ी रहती है और आप मेरे। हाँ तो ठीक ही तो कर रही है वो, तुम्हारा करने वाला काम बेचारी अम्मा कर रही है, बच्चे तुम्हारे भी हैं, नजर रखो उन पर। तुम्हें याद है पेरेंट टीचर मीटिंग में आयत की क्लास टीचर ने हमसे क्या कहा था? कोई नहीं, मुझे अपने बच्चों पे पूरा ट्रस्ट है, मेरे बच्चे इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बच्चे हैं। और भैया अम्मा को समझाए ना, ये हर वक्त प्रिंसिपल गिरी क्यों करती रहती हैं? तुम शायद भूल रही हो, मेरी अम्मा प्रिंसिपल थी तो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल गिरी तो करेंगी ना। मैं
क्यों बहस में पड़ गया भाई, सुबह बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक पर। हम अखा में सिर्फ 5 ही लाइक्स पड़े। इधर दो, कहां से आए तुम्हारे पास? चुप कर जा गुड्डी, वरना थप्पड़ दूंगी। चुप कर जाओ, एकदम चुप। ये क्या तरीका है? अरे क्या हो गया गुड्डी को, बाहर तक आवाजें जा रही हैं। बीबी जी आप कुछ चाहिए था? चाय बना दूं आपके लिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, इसे चुप कराओ। क्या मांग रही है, क्यों जिद कर रही है? बच्ची है ना, अयाद बाबा का फोन उठा लाई थी, माफ कर दें। बच्ची है ना, दूसरे बच्चों को देखेगी शौक तो पैदा होगा, लेकिन न जाने कब ये शौक इसके लिए जहमत बन जाए। ख्याल रखना बशीरा। बीबी जी वो अयाद बाबा का ना पुराना वाला फोन मुझे दे दें गुड्डी के लिए, इससे ये भी सुकून से बैठ जाएगी और मेरे लिए भी काम करना आसान हो जाएगा। चल गुड्डी। अनबिलीवेबल, ये एक आग है जो कि फैलती ही जा रही है और इसकी तबाहकारियों से सब अनजान है। ये पिज्जा की पिक्चर क्यों? अरे अम्मा लाइक ज्यादा आते हैं ना। लेकिन तुम तो बिस्किट खा रही हो। फॉलोवर्स को क्या पता कि मैं बिस्किट खा रही हूँ। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन सी वाली पिक्चर ज्यादा अच्छी है, ये वाली कि ये वाली? मुझे भी यही पिक्चर ज्यादा अच्छी लगी थी। ठीक है। अच्छा अम्मा आपको कुछ चाहिए क्या? तुम्हारा थोड़ा सा वक्त। लो, ये क्या बात की आपने? मेरा सारा का सारा वक्त आपका। बस एक मिनट, इसको मैं अपलोड कर दूं पहले। वक्त है तुम्हारे पास? अच्छा ना, सॉरी। हाँ अब बताएं क्या बात है। सुबह मुझसे उबैद ने बात की थी। देखें अम्मी, ये आपका और आपके बेटे का आपस का मामला है, मुझे बीच में इन्वॉल्व मत करें प्लीज। देखो बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ना ही उबैद से कोई ग्रज है। ये तो बस माँ बेटी की एक हार्ट टू हार्ट टॉक है। अल्लाह अम्मी, आप तो मुझे डरा रही हैं। सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। तुम इधर आओ मेरे साथ। अरे आओ तो सही, यहां बैठो। चलो इधर बैठो। ऐसा नहीं लगता कि आजकल बच्चों का बल्कि तुम सबका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है? हम सब साथ बैठे होते हैं लेकिन पास नहीं होते। आपस में हम लोग कोई बात नहीं करते, कोई डिस्कशन नहीं होता, खास तौर पर बच्चे। वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, बल्कि किसी से बात करने की जरूरत ही क्या है जब बड़े घर में मौजूद हैं। मुझे तो लगता है ये बच्चे बिल्कुल अनसोशल हो जाएंगे। अम्मा आपको जिस चीज से शिकायत है ना, उसे कहते हैं सोशल मीडिया। भाई वहां पर हर इंसान को अपने मिजाज के हिसाब से लोग मिल जाते हैं, अब बच्चे इससे ज्यादा क्या सोशलाइज करें। दिस वर्ल्ड इज नाउ अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज या ग्लोबल गटर? अब सामने बैठे हुए इंसान से कोई बात करे तो आपको अंदाजा तो हो जाता है कि बंदा किस कमाश के आदमी से बात कर रहा है। बेटा ये इंटरनेट की दुनिया तो बहुत खराब है, बहुत डार्क है। अब तुम अपनी मिसाल ले लो, बिस्किट खा के पिज्जा दिखा रही हूं। अम्मी अब आप मुझे खुद ही बताएं मैं क्या करूं। वो
जब मैं इन सब चीजों की शिकायत करती थी तो आप लोग मुझे कहते थे कि अपने लिए कोई मसरूफियत ढूंढो। अब जब मैं इस दुनिया का हिस्सा बन गई हूँ तो अब भी मैं आप लोगों को एलियन लग रही हूँ। देखें, वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है, वरना तो पीछे रह जाते हैं। बेटा, वक्त के साथ चलने से कौन रोक रहा है तुम्हें? ये फेसबुक, यूट्यूब, ये सब हमारे सामने आए, लेकिन फिर बच्चों की तरबियत कौन करे? भाई, हमारे जमाने में तो हमारी नानियां दादियां खेल कूद में, हंसी मजाक में बहुत कुछ सिखा देती थी हमें। अम्मा, क्या आइडिया दिया है आपने! मेरा ख्याल है आप ना यूट्यूब चैनल बना लें अपना। आप टेंशन मत लें, वीडियोस मैं बनाऊंगी और साथ साथ बच्चों की तरबियत भी हो जाएगी। उसका नाम क्या रखेंगे हम? क्या नाम होना चाहिए? हाँ, दादो के मशवरे, कैसा? अरे, मेरे अपने बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, दूसरे क्या खाक समझेंगे? अच्छा ना, सॉरी सॉरी, हाँ कहें। देखो बेटा, मीरा अब बड़ी हो रही है, बुरी नीयत से, बुरी नजर से अपने आप को कैसे बचाना है, अजनबियों से कितना फासला रखना है, क्या तारीफ है, क्या ट्रैप है, कौन बताएगा? कौन? अरे भाई, तुम, मैं। देखो बेटा, हर चीज बच्चे सोशल मीडिया से नहीं सीख सकते, उन्हें माँ की गाइडेंस की जरूरत होती है और यही उनके लिए बेहतर है। अरे माँ, ये बच्चे आजकल के सुनते कहाँ हैं? वो तो कहते हैं हमें तो पहले से ही सब कुछ पता है। और अम्मा, आई एम सॉरी, मैं ये बेवजह की रोक टोक करके ना अपने बच्चों के दरमियान फासला नहीं पैदा करना चाहती, इसलिए प्लीज। तो तुम उनकी मर्जी से उठो बैठोगी? जिनकी अकल की हद कुल 15-16 साल है। अम्मा, शायद। भाई, मुझे तो बच्चों से ज्यादा तुम्हारी नस्ल कंफ्यूज लग रही है कि इस ट्रांजिशन पीरियड को कैसे गुजारें। एक पैर माजी में तुम्हारा और एक हाल में, अब तुम्हारे मुस्तकबिल का तो अल्लाह ही हाफिज है। तो देखो तो सही, कितने लाइक्स आ गए हैं। 120। सिखाती थी कि फ्राइंग पैन साइड पे कर लो, नहीं तो आस्तीन अटक जाएगी, और मेरा उलझा हुआ लहजा हमेशा तुनक्कर जवाब देता कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, आपसे ज्यादा समझती हूँ, ज्यादा पढ़ी लिखी भी हूँ, कब तक आपके हुक्म पे चलूँ, उठूँ और बैठूँ? लेकिन अम्मा, आप सही थी। हम लड़ते थे, आप सिखाने पे मुसर तो मैं ना सीखने की जिद में थी। हम कम से कम आपस में बात तो करते थे, एक रिश्ता तो था। अब तो सब रिश्ते इन डिब्बों में बंद होकर रह गए। साथ हो भी तो क्यों कर और कैसे? मुझे डर लग रहा है, मेरे कमरे में ज़ॉम्बीज आ गए, तो मोबाइल बहुत है। ओह, ये मोबाइल भी ना। अरे बेटा, कोई डरने की बात नहीं है, आओ मेरे साथ सो जाओ और चलो, शाबाश, कोई ज़ॉम्बीज नहीं होते, यहाँ बैठो। अच्छा, अब बताओ, आप देख रहे थे? लग रहा है। डर लग रहा है? नहीं नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, आप मेरे पास हैं, मेरे साथ सोएगा मेरा बच्चा, बस बस। अरे नहीं मेरे बेटे, नहीं डरते हम। ये गेम कैसे रुक गया? मैं तो उसको शूट करने वाला था। चलो इंटरनेट चेक करते चलते हो। चलो भाई, जूम मीटिंग का भी टाइम हो गया, कनेक्ट करते। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? अरे ये क्या मसला है? मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग और ये कनेक्ट नहीं हो रहा। सब कुछ मेरी मीटिंग के वक्त ही क्यों होना है? ट्रबल शूटिंग। मीरा,
मीरा बेटा जल्दी से जरा राउटर चेक करो। अरे मीरा अपने रूम में है। हाय अल्लाह, शादी के बाद मिराज को थप्पड़ मार दिया हीरोइन ने। अरे भाई तुम हीरोइन हो कि विलन हो? उस घर में सबका मुझे चेक करने पड़ेंगे। बेटा क्या मसला है? आयत यू डम काउ, ये तुमने क्या किया? ये मैंने नहीं किया, ये पैसे हुआ था, मैं तो बस सही करने आया था। करो गाइस, क्या करो तुम लोग, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आयत अगर इसको कुछ हो गया ना, मैं तुम्हारा गेम शिप सब बंद कर दूंगा, पिटाई भी लगाऊंगा तुम्हारी। उबैद क्या हुआ है, ये क्यों बंद हो गया इंटरनेट? पता क्या चक्कर है, रिफ्रेश भी किया लेकिन सिग्नल ही नहीं आ रहे। तुम्हारे पास इंटरनेट वाले का नंबर है? हाँ रसीद तो दी थी उस पे होगा। चलो चेक करती हूँ। ये पावर तो चल गया लेकिन इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा? मुझे क्या पता, चेक ही कर रहा हूँ ना मैं भी। कमॉन, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, इतनी मुश्किल से तमाम लोग लाइन अप हो, आज तो डिसीजन लेना था, नेट ही नहीं कनेक्ट होके दे रहा। तो पापा आप डेटा से कनेक्ट कर लेना। अरे क्या मैं डेटा से कनेक्ट कर लूं बेटा, इतने सारे गीगाबाइट्स में चाहिए होता है डेटा। दो घंटे की मीटिंग है, ऊपर से पता नहीं उल्टे सीधे चार्जेस लागू हो जाते, मेरे फोन का सारा डेटा चला जाएगा और पैसे भरने पड़ेंगे फजूल के। अरे भाई ठीक तो कह रही है वो, जब इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो डेटा कनेक्ट कर लो ना। यार अब तुम ये देखो, सिग्नल ही नहीं आ रहे, नो सर्विस लिखा रहे, क्या करूं मैं? ये क्या हो गया पूरे मुल्क को, कोई मसला हुआ है क्या? ये कहीं इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग के साथ साथ इन्होंने इंटरनेट लोड शेडिंग भी तो नहीं शुरू कर दी क्या? मामा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हो जाएगा और वैसे भी पूरा वर्ल्ड इंटरनेट से कनेक्ट है, खासकर हमारा फ्रीलांस तबका, आईटी सेक्टर। इंडीड ये जो हमारा नेट वाला है ना, इसने यकीनन पोल से कुछ कनेक्ट किया हुआ होगा और वो लोग कट करके जा चुके होंगे, यही मसला हुआ। हाँ वैसे इस तरह की कोई मुहिम चल तो रही है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। अरे अम्मा इनके कुंडों के चक्कर में मेरे बिजनेस का लॉस होगा, ये जो नेट वाले ना आने दो जरा, इसकी पेमेंट का वक्त आने दो, एक पाई नहीं दूंगा इनको मैं। भाई मेरी तो वीडियो भी अपलोड नहीं हो रही और मेरी एपिसोड भी रह गई। गॉड सेक फारिया, खुदा का वास्ता है तुमको, अरे पूरा घर तुमने इंस्टा लोड पर लगा दिया, और क्या चाहती हो तुम? अच्छा है ना, तुम्हारे फॉलोअर्स को कुछ दिनों के लिए सुकून तो मिलेगा। मगर पापा अब हम क्या करेंगे? बेटा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब ये तो मुझे पता है कि कमरों में जाके तुम लोग सोते तो हो नहीं, इसी में लगे रहते हो। बेटा अपनी शक्ल तो देखो कितनी डल हो रही है, क्यों नहीं अपनी सेहत का ख्याल रखते, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। मैं तो दादू के साथ ही सो जाऊंगा, दादू स्टोरी सुनाते हैं ना नींद जाकर। बिल्कुल, दादू का प्यारा बच्चा दादू के साथ सोएगा। आ जाओ चलें, मैं तुम्हें कहानियां भी सुनाऊं और सुलाऊं भी, चलो मेरे कमरे में चलो। बहन क्या करेंगे अब हम? वही सोच रहा हूँ मैं। अरे टीवी, टीवी पे देखता हूँ शायद कोई न्यूज़ हो। पूरे मुल्क में इंटरनेट सारफीन को इंटरनेट की फरामी मौतल। मरी, अरे ये वही समंदर में केबल कट गई, इसकी वजह से इंटरनेट नहीं आ रहा, तो 3-4 दिन तो बात चली गई। हाय अल्लाह, 48 घंटे में कुछ कंफर्म भी नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे अब बगैर इंटरनेट के? तो हम तो मैं भी हो रही हूँ। जाके अपने होमवर्क कंप्लीट करो ना, छुट्टियां होने का ये मतलब थोड़ी है कि होमवर्क ही ना किया जाए। होमवर्क? दादू मुझे हर रोज होमवर्क कराती है, मेरा होमवर्क एकदम कंप्लीट है। अच्छा, वो नहीं कराएंगी तो और कौन कराएगा?
भला उनसे ज्यादा अच्छा हूँ, वह कोई करा भी तो नहीं सकता ना। तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ, लॉन में जाकर खेलो थोड़ी देर। अकेले? क्या हो बैठ, सुबह से आपने खबरें लगाई नहीं है, मेरा तो सर चकरा गया। सारी दुनिया की न्यूज चल रही है इस वक्त, नहीं है तो बस एक इंटरनेट की न्यूज ही नहीं है। आप एक काम करें ना, अपने किसी दोस्त से पूछें, शायद उसको कुछ मालूम हो। अरे गुड आइडिया, तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने, अभी अपने दोस्त को कॉल करता हूँ। हाँ जिलानी, क्या हाल है? ठीक हो यार? वो प्लीज बताना, ये इंटरनेट कब तक रिस्टोर हो जाएगा? सिंगल सिंगल ये सारा मसला क्या है? क्या दो दिन? अरे नहीं, अरे सब खैरियत है, चलो ठीक है, बस यही पूछना था, खुदा हाफिज। 2 days मतलब 48 hours। दो दिन में तो लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं, पता है लोगों के तो मिलियन फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं 2 दिन में। लोगों के नहीं, सेलिब्रिटीज के। इंशाल्लाह एक दिन हमारा भी आएगा। वो दिन जब आएगा तब आएगा, फिलहाल इंटरनेट तो आ जाए। अब क्या होगा भाजी जी, मेरी गुड्डी ने तो रो रो कर बुरा हाल कर लेना है। वो तुम तो चुप करो बशीरा, तुम तो बिल्कुल सही सफाई नहीं कर रही हो आजकल। उस ग्रिल का हाल देखा तुमने, कितनी मिट्टी है उसके ऊपर। बाजी जी मैं तो हमेशा से ही अच्छी सफाई करती हूँ, पता नहीं आज आपको क्या हो गया। तुम्हारी बाजी को आज फुर्सत मिली है इंटरनेट की दुनिया से इस दुनिया में खुश आमदीद। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। अम्मा आप तंज तो नहीं कर रही ना? अरे नहीं बेटा, मैं तो खुश हो रही हूँ कि इस इंटरनेट के जाल से चंद लम्हों के लिए सही फुर्सत तो मिली तुम लोगों को। देखो बेटा ये नेट तो ठीक हो जाएगा कल परसों में, लेकिन जो फैमिली टाइम हमने साथ गुजारा है ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। दादू जब आप लोग छोटे थे तो आप लोग अपना टाइम कैसे पास करते थे बगैर इंटरनेट के? मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्रिएटिविटी में भाई हम लोग नई नई चीजें सीखा करते थे। कैसी क्रिएटिविटी, क्या नई चीजें? सब कुछ तो अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा फर्ज करो इंटरनेट की तरह अगर मार्केट में कुछ अवेलेबल ना हो या कोई मसला हो जाए तो फिर क्या करोगे? कोई हुनर होना चाहिए ना हाथ में। दादू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, घर में रह के आखिर हो क्या सकता है? अच्छा चलो मैं समझाती हूँ तुम्हें, आओ उठो मेरे साथ आओ, अब हम सीखते हैं कोई नई चीज। कम ऑन आ जाओ, फारिया तुम भी आओ बेटा, चलो लेट्स गो एंड लर्न समथिंग न्यू। सीखो नई चीज सीखो, जाओ उनके उल्टे पुल्टे पड़ो, सीधो सीधे सब खराब हो जाएगा, सीधो। दादो अगर मैं सच बताऊं मुझे नहीं पता था किचन में काम करना तो फन हो सकता है। देखा देखे ठीक बनी है? हाँ हाँ कुछ कुछ। अम्मा मुझे याद नहीं आ रहा है ये इसमें ऑरेगानो डलता है कि नहीं, अब देखे ना इंटरनेट भी नहीं है वरना वहीं से रेसिपी देख लेती। अरे बेटा अगर नहीं भी है तो कसूरी मेथी डाल दो, थोड़ा देसी टच आ जाएगा। अरे हाँ वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। अरे बेटा हम तो एक क्लिक के मोहताज हो गए, दिमाग को तो इस्तेमाल ही नहीं करते। हालांकि दुनिया की वाहिद चीज है जितनी इस्तेमाल करो उतनी ही तेज होती है। देखे दादू आई डिड इट। बिल्कुल बिल्कुल ये तो बिल्कुल अनमैच्ड हैप्पीनेस है। देखा बच्चू मैंने तुम्हें पूरा परफेक्ट कर दिया है। बहुत अच्छी बना ली भाई, वेरी नाइस। मेरा ख्याल है पिक्चर तो बनती है। अम्मा आप कब से पिक्चर्स लेने लगी? अरे बेटा मैं ये अपनी यादों के लिए बना रही हूँ, तुम्हारे सोशल मीडिया के लिए नहीं।
अच्छा चलो, अब एक सेल्फी तो बनती है ना, मेरी बेटी ने इतनी मेहनत की है। मैं बना। चलो भाई आ जाओ, आओ ऐसे। स्माइल। वाह भाई, चलो अच्छी आई सेल्फी। अरे भाई, इस इंटरनेट के बगैर हमें पता ही नहीं कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, करना क्या है। सही कह रही हैं आप अम्मा। वैसे ये बशीरा ने घर का और किचन का क्या हाल कर रखा है, मैंने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया, या फिर यूं कहें कि फुर्सत ही नहीं मिली। बाजी, आप अपनी हर बात का इल्जाम मुझ पर क्यों लगा देती हैं? मैं तो अपना हर काम दिल लगा कर करती हूँ। अच्छा, तो फिर ये कैबिनेट्स इतने काले क्यों हो रहे? अरे बेटा, से क्यों बहस कर रही हो, रहने दो। अच्छा चलो आओ बैठो तुम, मैं चाय बना के लाती हूँ। दादो, आज मैं चाय बनाऊं? अरे वाह, व्हाई नॉट। अरे भाई, मेरी बच्ची चाय बना के लाएगी। चलो फिर हम बैठते हैं और आपके हाथ की चाय पीते हैं, ठीक है? मजा ही आ जाएगा अगर हो गई तो। देखे मैं क्या लाई। ओ वाह भाई वाह, जबरदस्त, थैंक यू। अरे आराम से। मैं आराम से ही ला रही थी, अब गिर गई। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह। लेकिन आप हंस रहे थे। बाबा, क्या मैं चाय नहीं बना सकती? इस चाय को पीने के बाद हम लोग जिंदा बचेंगे क्या? अब तो आपको पीनी पड़ेगी। चलो पीनो, 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 पीनो। अच्छी बहुत अच्छी। रियली रियली, लेकिन इस चाय में अम्मा के हाथ का जायका है। लेकिन ये तो मैंने बनाई है, आप दादू से भी पूछ सकते हैं। अरे भाई, मेरी मीरब का क्रेडिट किसी और को क्यों दे रहे हो? अम्मा, मैं ठीक तो कह रहा हूँ, आप चाय पी के देखिए। देखती हूँ भाई। ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल मेरी जैसी चाय बनाई है। yes. इधर आओ जरा मेरे पास। ये तुम्हारी चाय बनाने के लिए, इतनी अच्छी चाय बनाई। थैंक यू सो मच दादू। यू वेलकम। अरे वाह मीरा, आई एम सो जेलस ऑफ यू, चाय बनाने पे इतना अच्छा इनाम। तुम किधर चले? अब मैं भी चाय बनाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा। दादू, आपके पहले जमाने में रियल लूडो होता था? और क्या, बिल्कुल रियल लूडो होता था। हम रात को काम से फारिग होके आराम से बैठ के लूडो खेलते थे, और सर्दी के मौसम में चिलगोजे, मूंगफलियां, साथ साथ वो भी चलता था। खूब मजे मजे की बातें होती थी, और पता है क्या, डाइस फेंकने से पहले सब लोग दुआ करते थे कि हमारा सिक्स आ जाए, सिक्स आ जाए। से आ जाता था? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता था। तो दादू, आप लोग इस सेम रूटीन से बोर नहीं होते थे? मतलब सेम बातें, सेम टॉपिक, सेम गेम्स। बेटा, आप लोग अपने इंटरनेट से, फेसबुक से बोर होते हो क्या? नहीं। वैसे भी बेटा, हमारा कोई एक जैसा रूटीन नहीं था। हम अपने कजन्स वगैरह के साथ पिकनिक्स पे जाया करते थे, बड़े खूबसूरत बाग होते थे उस जमाने में, जैसे अब तुम लोगों के फार्म हाउसेस नहीं है। उस जमाने में ट्रांसपोर्ट भी कम होती थी, इसलिए पैदल चलने का बहुत रिवाज था। तो रात को सब लेडीज मिलके वॉक करके सिनेमा देखने जाती थी। तो जनाब, वॉक की वॉक हो गई और तफरी की तफरी। रियली? रात को?
आप लोग तो बहुत ज्यादा एडवांस थे। बेटा खवातीन तो आपको पता है दिन में तो मसरूफ होती हैं, रात को ही उन्हें कुछ वक्त मिला करता था, तो उनके लिए खुसूसी शोज हुआ करते थे रात के, ताकि वो के फ्री होकर मूवीज देखें, एंजॉय करें, और बस फिर यही हल्ला गुल्ला था उस जमाने में। दादो मैं तो सोचती थी कि आप लोगों की लाइफ बहुत डल और बोरिंग रही होगी। अरे कहाँ भाई, अम्मा वो एडवेंचर सा कोई किस्सा सुनाए ना, वो दादा जन वाला किस्सा, वो जितनी बड़ी मछली को पकड़ते हैं वो झील में जाके गिर गए थे, याद है? अरे तुम्हें अभी तक याद है वो किस्सा? नहीं याद होगा, मैं इतना छोटा थोड़ी था भाई। हमारे जो दादा थे ना उनको फिशिंग का बहुत शौक था, वो मछली पकड़ने के लिए जाते थे झील के पास, ठीक है, मछली पकड़ कर लाते थे, और हमारी जो दादी जान थी उसको उसी वक्त साफ करती थी, मैरिनेट करती थी और फौरन पका के खिला भी देती थी। और जो तुम्हारी परदादी यानी कि मेरी दादी, वो जब मेहमान आते थे तो अपने हाथ से मुर्गी को ज़बह करती थी। What? मुर्गी? हाँ। दादो क्या पापा सच कह रहे हैं? पहले जमाने में आपके हाँ फ्रिज नहीं होता था? नहीं बेटा फ्रिज होता था, लेकिन हम लोग फ्रेश खाना बनाते थे और फ्रेश ही खाते थे। हाँ भाई, और खास तौर से हम अपने मेहमानों को एकदम ताजा खाना खिलाते थे। ये जो तुम लोगों का आजकल क्या है वो बासी खाने का फ्रोजन फूड, ये तो तौहीन समझी जाती थी मेहमानों की। मेहमानों के सामने तो बिल्कुल ताजा खाना रखा जाता था। मेरे अब्बा ना ताजा कीमा लेकर आते थे और अम्मा उसी वक्त उसको भून दिया करती थी। अम्मा मुझे तो ये भी याद है कि आप हमेशा हमें 9 बजे टाइम पर सुला देती थी, जैसे 9 बजते थे हम लोग बेड पर। हाँ बेटा, क्योंकि तुम्हें सुबह स्कूल जाना होता था और मुझे जॉब पे, इसलिए हमारी बड़ी डिसिप्लिन लाइफ थी। अम्मा मुझे तो यहाँ तक याद है कि जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप आता था ना, तो मैचेस देखने के लिए अब्बा जान हमें 4 बजे रात के आके उठा देते थे, खामोशी के साथ कहते थे कि आ जाओ नाइट मैच आ रहा है। क्लिप्स थोड़ी होते थे जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पे क्लिप्स चलते, वो थोड़ी हुआ करते थे हमारे जमाने में। और अब्बा को आपकी नींद का कितना एहसास था कि कहीं आपकी नींद ना डिस्टर्ब हो जाए। वाओ पापा, आप लोगों के तो कितने मजे थे। बेटा ये मजे तुम भी कर सकते हो। लेकिन कैसे? कैसे? हम पिकनिक पर चलते हैं, कैसा? भाई पिकनिक नहीं, फैमिली पिकनिक। हाँ दैट्स अ ग्रेट आइडिया। हम कितने अरसे से गए भी नहीं, बच्चे तो फिर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाते रहते हैं। लेकिन जाएंगे कहाँ? भाई जगह मुझ पर छोड़ दो, मैं बताऊंगा। ये क्या वीडियो बना रही हो? नहीं अम्मा, यादें बना रही हूँ। क्यों, ठीक कर रही हो ना? मुझे तो बहुत मजा आया। भाई मैंने भी बहुत एंजॉय किया, मौसम जो इतना अच्छा था, बहुत मजा आया है। बहुत अच्छी जगह थी, आपका हम जरूर वहां से बन जाया करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जाया करेंगे। दादू आपको पता है मैं ना पेड़ पे चढ़ा था। अच्छा, पापा बता रहे थे जिस पेड़ में चढ़ा था ना वो भी बचपन में इस पेड़ पे गेम खेला कर रहे थे। हाँ वाह बाबा, छोटा सा बंदा गिर जाता तो। दादू देखिए ना ये मुझे क्या कह रही है। भाई मेरा बुरी बात है, तुम मेरे छोटे से पैंडा को बंदर कह रही हो। पैंडा? हाँ भाई। अच्छा चलो अब थक गए होगे, चलो अपने कमरे में। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। कितना मजा आया, कितना मजा आया इस फैमिली, हम लोगों ने आज कितना एंजॉय किया ना। मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं, आप इतना अच्छा बारबेक्यू करते हैं, पहले क्यों नहीं किया? अरे तुम्हें पसंद आया? बहुत भाई, हर बीवी की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उसके लिए कुछ खास करे। ये खास तुम्हारे लिए तो था। ऐसे फारिया, हमें कभी कभी बाहर निकलना चाहिए, एक साथ जाना चाहिए। अब एवरी वीकेंड हमें डिनर पे जाना चाहिए, व्हाट डू यू से? हाँ क्यों नहीं, अब कितने अरसे के बाद हमने क्वालिटी टाइम साथ स्पेंड किया। कितने अरसे के बाद ना, वाकई मुझे तो याद भी नहीं। Thank you.
एम सॉरी फारिया, रियली सॉरी। पिछले चंद सालों में मैं स्टैटिस्टिक्स, कोटेशंस, डिजिट्स, ईमेल्स, बस इन्हीं में खोया रहा। भूल गया कि हमारे रिश्ते के तकाजे क्या है। मुझे कुछ याद ही नहीं है। हम साथ तो रहते हैं लेकिन पास नहीं रहते। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप जो कुछ भी कर रहे थे वो हमारे लिए कर रहे थे, मेरे लिए, बच्चों के लिए। और जब बच्चे हो जाते हैं ना तो हस्बैंड एंड वाइफ से माँ बाप बन जाते हैं। फिर भी तुम्हें कभी तुम मुझसे कोई शिकायत हुई होगी ना? मैंने तुमसे कभी पूछा भी नहीं। मैंने भी तो नहीं बताया कभी कि आई मिस यू। फारिया, मैं वादा करता हूं हर हाल में, हर मौके पर अब से हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सब छापेंगे? हाँ, लेकिन अगर हमारी बेटी बना रही है तो लिटिल मिल्क एंड नो शुगर, राइट। और सुनो, आज से रोजाना चाय बनाने की ड्यूटी है मीरब की। मीरब की, व्हाई नॉट। अरे, इंटरनेट रिस्टोर हो गया। आगे 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 आगे, इतने सारे मैसेजेस, मीटिंग मेरी, अरे कोटेशन भी आ गई है कि शुक्र है हमारा इंटरनेट रिस्टोर हो गया। पापा, ये फैमिली टाइम है। मेरा फोन दीजिए। स्विच्ड ऑफ। वाकी, ये मेरी जिंदगी के कीमती लम्हे जो शायद मैं मिस कर देता। अम्मा, थैंक यू सो मच। जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू अम्मा। वेलकम। थैंक यू सो मच दादा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे।